हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दिखाने वाली हूँ। तो अभी जो मैं प्लांट्स दिखाने वाली हूँ वो सभी ऑलमोस्ट परमानेंट प्लांट हैं और जो अब डोरमेंसी में चले जाएंगे। और विंटर गार्डन की अब शुरुआत होनी है क्योंकि मैंने सीडलिंग्स जो लगाए हैं उसका वीडियो मैंने डाला है, तो उन्हें अब मैं रिपोर्ट करूँगी तो मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये एरिया जो मेरा है यहाँ पर सारे इंडोर प्लांट ज़्यादातर रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग की सिर्फ 1 घंटे की सनलाइट आती है, तो सारे इंडोर प्लांट मैं इस तरफ रखती हूँ। ये देखिए, ये पेंसिल कैक्टस है और ये देखिए, ये ब्रोमेलियांड है इस तरह से, और ये कॉपर लीफ। तो मैं प्लांट्स के नेम बताती जाऊंगी, अगर किसी के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि उस पर मैं वीडियो बना दूं। और इस तरह से लुक दिख रहा है। और ये देखिए, ये कोलियस जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ये सेंसिव एरिया है, ये भी स्नेक प्लांट की वैरायटी है छोटी वाली। और ये देखिए, ये एलोवेरा की वैरायटी है। देखिए, ये बस कहीं से मैं बस एक लेके आई थी और ये मैंने बस ऐसे ही लगा दिया था और बहुत सारा हो गया है। और ये भी सेंसिवेरिया की वैरायटी है, इस पर भी मेरा वीडियो है। और ये अरेलिया है। और कोलियस के जो भी वैरायटी है, देखिए ये सब मेरी पिछले साल की है। और इस टाइम पे क्योंकि कोलियस जब हल्की ठंड शुरू होती है तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ये फूलों की कमी पूरा कर देते हैं इस तरह से। आप देखिए कितने डिफरेंट काइंड के लीव्स हैं। और यहाँ पे भी एक सेंसिवेरिया है। और ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये कैक्टस के जैसा, इसे ये हरजोड़ का प्लांट बोलते हैं। ये मेडिसिनल वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए किस तरह से ये चढ़ रहा है। और ये यहाँ पर कुछ लगे हुए हैं फाइकस के प्लांट। और ये एक देखिए इस तरह से नीचे की तरफ इनकी लीव्स बिल्कुल रेड होती है, ये लैला मजनू बोलते हैं इसे, इस प्लांट को। और ये कॉक्सकॉम्ब है, ये जगह जगह सीड्स गिरती है और खुद ब खुद निकल आते हैं। और ये है चांदनी, मिनी चांदनी, और सदाबहार है। और ये है जेड की टोपियरी बनाने की कोशिश की है मैंने तो। और ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट, छोटा सा प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहा है ये इस टाइम पे। और ब्लीडिंग हार्ट जो है मेनली समर सीजन का प्लांट है, और आजकल क्योंकि अभी तो धूप तेज़ हो ही रही है तो फ्लावरिंग इसमें बहुत अच्छे से हो रही है। और ये फर्स्ट लव का प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। और ये है चंपा का प्लांट, ये पिंक वाला चंपा है। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। और अब ये डोरमेंसी में जाएगा तो इसमें एक भी लीफ नहीं दिखेगी, सारी लीव्स इसकी गिर जाती हैं। लेकिन ये जैसे ही फरवरी मार्च का मंथ आता है फिर से इसमें नया फुटाव होता है और फिर से ये खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इधर कुछ प्लांट हैं सब्जियों वाले जो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये भिंडी है, तो ये मैंने कुछ सीड्स के लिए रखे हैं, उसमें सीड्स बन रही हैं तो मैं फिर से ग्रो करूंगी जब समर्स में। और ये देखिए, ये तुरई है, उसका प्लांट है। और इधर मैं दिखाती हूँ, ये मैरीगोल्ड है, सीड से उगा है। और ये है हमेलिया, गर्मियों में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, रेड कलर की, बिल्कुल बुशी हो जाता है। और इस तरह से ये लुक है, मैं दिखाती हूँ वन बाय वन करके। ये अपराजिता का है प्लांट, देखिए ये डबल पेटल वाली अपराजिता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर है इसका। सिंगल पेटल भी अच्छा लगता है लेकिन ये डबल वाला और भी अच्छा लग रहा है। और ये स्लीपिंग हिबिस्कस जिसे बोलते हैं, मिर्ची गुड़हल, मतलब ये खिलता है लेकिन कलियों जैसा शेप रहता है इसका, ये पूरा फूल इसका खिलता नहीं है। और इसी तरह, और इसका भी अब सीज़न है जब विंटर की शुरुआत होती है तो बहुत अच्छे से खिलते हैं स्लीपिंग हिबिस्कस जो होते हैं। ये मधुमालती है, देखिए इस तरह से। अब ये भी डोरमेंसी में चली जाएगी विंटर्स में। और ये एक नींबू का प्लांट है, अभी इसमें फ्रूट्स तो कभी नहीं लगे,
देखिए कब तक आते हैं। और इधर मेरे कुछ हिबिस्कस हैं, ये देसी वाला डबल पेटल वाला है, डार्क पिंक कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसमें साल भर फ्लावरिंग हमेशा ही होती रहती है, और समर्स में भी, और हमेशा ही फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है। ये डबल पेटल वाला हिबिस्कस है। और इसके बाद मेरे और भी हिबिस्कस के प्लांट हैं, ये देसी वाले हैं। तो देसी वाले हिबिस्कस जो हैं वो बहुत ही रफ एंड टफ होते हैं, वो उतने ज़्यादा मतलब नाजुक नहीं होते कि बस थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो ख़राब होने लगे, या इसमें इंसेक्ट अटैक भी उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। और ये भी साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं देखिए। और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें रूट बाउंडिंग हो गई थी, तो मैंने इसे प्लास्टिक की बोरियों में ही लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े गमले आप कहाँ तक आप लगाएंगे, तो बस जैसे तैसे मैंने लगा दिया है। और ये देखिए जेट्रोफा का प्लांट है, इस पर मेरा वीडियो भी है। तो जेट्रोफा भी ऐसा प्लांट है कि वो सारा साल फ्लावरिंग उसमें होती ही रहती है। और ये जूही का प्लांट है, देखिए इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। ये भी मोस्टली गर्मियों का ही प्लांट है। तो आज मैं जो भी प्लांट दिखा रही हूँ ये सब गर्मियों के ही हैं। ये गोरी चोरी है, इस पर भी मेरा वीडियो है। इधर कनेर है, और उधर मेरी कुछ कंपोस्टिंग हो रही है, लीफ कंपोस्ट वगैरह जो मैं बनाती हूँ वो रखी है। इधर क्यारी है, क्यारी में मैंने कुछ मॉर्निंग ग्लोरी है, और बहुत सारे पर्सलेन वगैरह थे जिनको अभी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि विंटर सीजन के लिए मुझे तैयारी अब करनी होगी। तो ये देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल चढ़ी हुई है। और इधर है मेरी रेलवे क्रीपर। तो रेलवे क्रीपर की मैं लुक दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी घनी हो गई है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी क्यारी है उसमें लगी हुई है ये रेलवे क्रीपर। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होती है। आप मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर तो बस सुबह सुबह ही होते हैं, और फिर मतलब एकदम सुबह ही में ही आपको दिखेंगे, नहीं तो वो गिर जाते हैं। और ये रेलवे क्रीपर वाले तो सुबह से शाम तक रहते हैं, और ढेरों फ्लावर रोज़ आना खिलते हैं। ये देखिए स्लीपिंग हिबिस्कस की कटिंग से बहुत ईजी लग जाते हैं, और कलियों से भरे हुए हैं। अब इसमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली ही है। और ये कुछ रेन लिलीज हैं, ये देखिए सीड्स रेलिली के, येलो वाले में मोस्टली सीड बनते हैं। तो ये इनके सीड्स को आप ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, ये इसके सीड्स जब ताज़े हों तभी आप इसी तरह गमलों में बस डाल दीजिए और नए प्लांट्स निकल आते हैं। और ये अडेनियम अब इन ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा, सारी लीव्स झड़ जाएंगी। और ये राखी बेल है, और इधर है अलमांडा। तो ये अलमांडा जो है बड़े साइज़ वाला है। और ये इधर एक और मॉर्निंग मॉर्निंग ग्लोरी अनदर कलर की देखिए लगी हुई है इसकी बेल। ये कुछ मैंने 6-7 इंच का पॉट है उसमें लगी हुई है, 2-3 पॉट्स में। इधर ये विंका है, ये बबल गम विंका वैरायटी है। और इधर कुछ कैक्टस हैं, कैक्टस पे भी मेरा मेरा वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हैंगिंग बास्केट में ये है बेबी सन रोज़, जिसकी कटिंग्स हैं, और कटिंग्स बहुत इजीली लग जाती हैं। और ये मेन प्लांट है, मदर प्लांट, उसी से कटिंग लगाई हुई है। और चलिए इधर हैं मेरे रेन लिलीज, और कुछ गैलार्डिया के प्लांट, और ये एक बैम्बू से आर्च मैंने जो बनाई है जिसपे बोगनविला की बेल को मैंने चढ़ाया है, ये इस तरह से कुछ इसका लुक दिख रहा है। तो बस ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट जो जो भी आपको चीज़ें वेस्ट हैं, आप उससे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बोगनविला की बेल चढ़ रही है, और ये गलाडिया के ढेरों प्लांट निकल आए हैं। अब मुझे विंटर सीज़न की तैयारी करनी है, इसे कहाँ मैं लगाऊंगी ये भी सोचना है। ये देखिए ये वाटर लिली, और ये रोज़ ही खिलते रहते हैं, और इसमें फिश भी है। और इधर हिबिस्कस हैं कुछ अलग अलग वैरायटी के, ये देखिए। और ये पिछले साल के हैं, और अब इनमें क्योंकि ये हाइब्रिड वाले हैं तो इनमें अब फ्लावरिंग होगी। और ये इधर एक जो भिंडी गुड़हल बोलते हैं, ये वो वाला हिबिस्कस है, इसकी लीफ बिल्कुल अलग तरह की है। और इधर देखिए इधर लोटस है, और कुछ वाटर कैबेज के प्लांट हैं। और यहाँ भी एक डबल पेटल वाला अपराजिता का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग अभी हो रही है, उसमें सीड्स बनते हैं। आप फिर फेब्रवरी मार्च में इसकी सीड्स लगा दीजिए, फिर पूरी गर्मियाँ अपराजिता के प्लांट आपके पास रहेंगे। ये इधर से कुछ इस तरह का लुक है।
और इस तरफ भी कुछ इंडोर वाले प्लांट हैं, क्योंकि इस साइड भी धूप बस एक शाम के टाइम 1-1.5 घंटे की आती है, तो इसलिए इधर भी कुछ मैंने इंडोर वाले प्लांट ही रखे हुए हैं। ये डायंथस है, पिछले साल का जो बचा हुआ है, और एक ये समर पोइनसेटिया है, और ये कलार्ड, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और ये है अजवाइन का प्लांट शेडेड वाला, और ये है चमेली की कटिंग को मैंने ग्रो किया है, उसमें अब फ्लावरिंग भी आ रही है, और ये है डेविल्स बैकबोन, और इधर भी कुछ विंका है, और कलाडियम, हाँ वो कलाडियम का प्लांट था, और ये फिर से मैं दिखाती हूँ, ये इधर से हमने शुरुआत की थी, ये इधर से कोलियस। तो अब ये गार्डन, अब कोलियस तो अभी रहेंगे, बाकी और सारे लगभग डोरमेंसी में चले जाएंगे प्लांट्स, और फिर हम शुरुआत करेंगे अपने विंटर सीजन के प्लांट्स की। और ये देखिए कुछ जीनिया, जो अब ये भी डोरमेंसी में, जीनिया डोरमेंसी में क्या, जीनिया के प्लांट एक बार फ्लावरिंग करते हैं, फिर आप उसकी फ्लावर जब सूख जाएं तो आप उसे कलेक्ट कर लीजिए, फिर सीड से फिर से ग्रो कर लीजिए। तो ये इसमें लगभग फ्लावरिंग अब ख़त्म होने पे है, बहुत दिनों से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, और बहुत ही अलग अलग वैरायटी, ये सारे सीड से ग्रो किए हुए जीनिया हैं, तो काफ़ी दिनों से इनमें फ्लावरिंग हो रही थी, तो अब इसके फूल जो हैं ड्राई हो जाएंगे, तो मैं इन्हें सेव कर लूँगी इनके सीड्स को, और ये जितने भी पॉट्स हैं इन्हें मैं खाली करके इन्हें विंटर वाले प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि विंटर में तो जितने भी आपके पास प्लांटर्स हैं कमी पड़ती है, तो फिर फेबररी मार्च में मैं फिर से जीनिया को ग्रो करूंगी इन्हीं के सीड्स से, तो इसलिए मैंने एक तरफ इसे इकट्ठा करके रख दिया है। और जितने भी प्लांट्स मैंने दिखाए, अगर किसी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। ये गोमफ्रेना है, और बहुत सारे इधर गोमफ्रेना के सीड्स, ये देखिए फ्लावर को इस तरह से मैं तोड़ के ड्राई कर लूँगी और इसे सेव कर लूँगी, बस ये इसी तरह से सीड्स से ग्रो हो जाते हैं। और इधर ढेर सारे पर्सलिन, पार्चुला का, जिन्हें मैंने निकाल दिया है, इसे मैं फेंकूंगी नहीं बल्कि कॉम्पोस्टिंग में यूज़ कर लूँगी, इंसान थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसे ही बोरियों में डाल के ऊपर से हल्की सी मिट्टी या कोकोपीट या कुछ भी आप डाल के रख दीजिए, फिर बहुत ही अच्छी सी आपकी खाद बन जाएगी। और ये है क्या, इधर देखिए कितनी वैरायटी के, और इधर कुछ बाल्सम देखिए सीड से भरे हुए हैं, बहुत सारे सीड्स बने हैं इन बाल्सम के प्लांट्स में, तो ये भी थोड़ा सीड पक जाए तो इन्हें मैं सीड के लिए रखा है, फिर उसके बाद ये गम, ये देखिए इस तरह से सीड्स इसके हैं बाल्सम के, फिर ये गमले भी मेरे काम में आ जाएंगे विंटर गार्डन के। तो ये जाती हुई समर के टाइम का व्यू था, अब नई शुरुआत करनी है, सारे सीडलिंग्स मेरे तैयार हो गए हैं जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया है, तो अब मैं इन सब गमलों को खाली करके उसमें विंटर के सीडलिंग करूँगी। ये कैना लिली था, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो कैसा लगा मेरा गार्डन का ओवरव्यू, आप प्लीज़ बताइएगा। और ये मेरा टेरेस गार्डन है, और मेरा बालकनी गार्डन भी है, तो कभी उसका भी ओवरव्यू मैं शेयर करूँगी आपसे, अगर जैसा टाइम मिला तो। मैं जाते जाते फिर एक बार ऐसे एक बार दिखा देती हूँ, ये जेड का प्लांट है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो गया है, ये जेड काफ़ी पुराना प्लांट है, तो इसी से कटिंग ले लेके मैं अलग अलग लगाती रहती हूँ, टोपियरी बनाने की भी कोशिश की थी, दिखाया था मैंने भी, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और ये रहे वो कोलियस, तो इस तरह का ओवरव्यू आ रहा है। ओके बाय।